देखिए इस चेहरे को कितना खुश लग रहा है। बचपन में न्यूज़पेपर कटआउट्स कलेक्ट करता था टाइम्स ड्राइव के, और अब देखो महाशय चल पड़े हैं अपनी पहली गाड़ी की डिलीवरी लेने। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हेन यू बाय योर फर्स्ट कार इज, भाई कौन सी गाड़ी ले, है ना? नहीं, पहले आप बताइए बजट क्या है, 10 लाख। फिर बताइए आपको गाड़ी कैसी चाहिए फीचर वाइज, एक तो टाइम लीजिए और बताइएगा। फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए, ओके, लेकिन छोटी नहीं, स्पेस चाहिए काफी, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी या सेडान, ओके। स्मार्ट फीचर्स होने चाहिए ताकि गाड़ी यूजफुल रहे काफी सालों तक। मोटा मोटा आइडिया है बेसिकली आपको, हाँ जी। सेकेंड हैंड कार लेनी थी क्योंकि टैक्स एंड इंश्योरेंस के पैसे बचाने थे, तो हमने ट्राई किया ऑनलाइन सर्च, और ये रहा मेरा इनसाइट्स पे ओपिनियन। कार्स 24, टू मेनी कार्स बट नॉट इनफ क्वालिटी ऑप्शंस। कार्स देखो, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्स, ओके ओके क्वालिटी। स्पिनी, ऑप्शंस कम है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओला कार्स, ये तो लाइट ले लो, कुछ ज्यादा था नहीं वैसे भी इसमें। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, टू मेनी ऑप्शंस, नॉट इनफ क्वालिटी। तो हम पहले चले स्पिनी को, क्योंकि मेरी शॉर्टलिस्ट में इनकी ही गाड़ियां सबसे ज्यादा थी। पहले हमने देखी 2018 और 2019 की क्रेटा, so excited! 10 लाख एंड 11 लाख की, एक 17,000 किलोमीटर चली थी, दूसरी 35,000। फिर हमने सोचा थोड़ा ऊपर का भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है, तो हमने देखी 15 लाख की सेल्टॉस और 18,99,000 की, 19 लाख ही बोल देते यार, की क्रेटा, 2021 का मॉडल है जो 10,000 किलोमीटर चला था। देखिए ऑनेस्टली गाड़ी तो सबसे ज़्यादा यही पसंद आई, फिर सोचा क्यों ना कॉन्ट्री में ले लें, कंसिडर तो कर ही सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने साथ में गाड़ी ले ली, है ना? पर इस पे ख्याल आया कि 20 लाख की गाड़ी लेनी ही है तो और कोई भी ले सकते हैं ना, तो हमने फ्यूचर का सोच के MG ZS EV और टाटा नेक्सॉन की भी टेस्ट ड्राइव ली। मक्खन गाड़ियाँ हैं, इस पर डिटेल वीडियो किसी और दिन बनाएंगे, क्योंकि EMI सोच के ये प्लान ड्रॉप कर दिया। उसके बाद देखी कार देखो की मारुति सुजुकी CS, 2019 का मॉडल, 7,000 किलोमीटर्स और प्राइस 9,16,000। अभी एक जरूरी सूचना, गाड़ी की टोटल माइलेज एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। टिपिकली हुंडई और टोयोटा की कार्स लंबी चलती हैं, लाख डेढ़ लाख तक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मारुति की कार्स 50-70 हज़ार पे भी बजने लगती है अगर ठीक से ना चलाया हो तो। हाउएवर हम अगर एक पुरानी गाड़ी लेते हैं जो ज़्यादा नहीं चली तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कार इंजन्स को ऑपरेशनल रखना ज़रूरी है, इसका मतलब ये है कि 7,000 किलोमीटर्स अगर 3 साल में चली है, इट्स एक्चुअली नॉट अ गुड सिचुएशन। बट थैंकफुली कार डीलर्स आपको अपने मैकेनिक से गाड़ी चेक करवाने की अनुमति दे देते हैं, तो मैं भी चला गया कार देखो के मैकेनिक संतोष जी के साथ गाड़ी एक गैराज में चेक करवाने। अनफॉर्चुनेटली कोई मेजर इशू नहीं था, मैंने भी वैसे गाड़ी में सब कुछ चेक कर लिया। सिर्फ एक SD कार्ड मिसिंग था जो गाड़ी के GPS मैप्स स्टोर करता है, जो मुझे बाद में दे दिया गया था। बस फिर चटमंगनी पट गया का सीन था, मैंने गाड़ी बुक कर ली और लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अनदर इम्पॉर्टेंट नोटिस, अपने कार की लोन आप हमेशा खुद ही अरेंज कीजिए। कोई भी कार डीलर आपको बेस्ट डील नहीं देगा इंटरेस्ट पे, क्योंकि उन्हें अपना कट मारना होता है। आपको बेस्ट डील हमेशा बैंक वाले ही देंगे। फिर क्या था, 10 दिन में आई फाउंड माई सेल्फ ऑन माई वे टू गेटिंग माई फर्स्ट कार। काफी टाइम लग गया इनके ऑफिस में टू बी ऑनेस्ट, एंड मेरे स्पिरिट्स भी थोड़े लो हो गए थे क्योंकि डाउन पेमेंट क्लियर करने में बैंक इश्यूज आ रहे थे। किसी रैंडम एम्प्लॉय ने मुझे कार की हैंड ओवर की और अपने दिवाली का सेलिब्रेशन बॉक्स थमा दिया, which was not a great experience, but it's good to have people with you who are happier than you for you. मम्मी ने घर से पूजा करके गणपति बापा भेजे थे और ताने ने गाड़ी की पूजा कर ली। ये सब देख के एक्सपीरियंस करके अच्छा तो लगा ही। मैंने नारियल फोड़ दिया और फिर बस हम चल पड़े ट्रैफिक में फंसने। एनीवेज, लाइफ इज हार्ड, हर दिन स्ट्रगल है, हसल है, बट अपने बचपन के सपने पूरे करने में ही असली सक्सेस है। आप मेरी जगह होते तो कौन सी गाड़ी प्रेफर करते? एनीवेज, अगले वीडियो में मिलते हैं।